दोस्तों सब्सक्राइब करो सेवन स्टार टेक को और साथ में इस घंटी बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का सेवन स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और आज हम बहुत ही अच्छे दो मिड रेंज हेडफोन्स का कंपैरिजन करके देखने वाले हैं दोस्तों, और देखेंगे कि कौन सा हमारे लेने लायक है और कौन सा नहीं। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप कुछ भी मिस ना कर जाएं, फिर आप कहीं गलती से कोई गलत हेडफोन ना खरीद लें जो आपकी बिल्कुल भी जरूरत के अनुसार ना बना हो। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेवन स्टार टेक को, और बन जाइए सेवन स्टार टेक फैमिली का हिस्सा। तो इसको बिल्कुल अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज और गैजेट्स के वीडियोज मिलते रहें दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक करने से दोस्तों मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बस मेरे को अच्छा लगता है कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इनकी दोनों हेडफोन्स की तरफ। तो पहला दोस्तों हेडफोन है जो बेस प्लस, फिलिप्स का बेस प्लस SHL 3070। तो ये फिलिप्स ने निकाल रखा है, बेस बहुत ही अच्छा है इसका। और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है या इसके बारे में पहले थोड़ा नहीं सुना है, तो आप यहाँ पर आई बटन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। और जो दूसरा हेडफोन है जिसके साथ दोस्तों हम इसको कंपेयर करने वाले हैं, वो है Pulse 3 Max मोटोरोला का, जो कि अभी नया ही आया। और इसकी भी दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने डाल रखा है, और ये सबसे पहले मेरे ही चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तक यूट्यूब पे ज़्यादा इसकी वीडियोस है नहीं, तो आप इसकी भी अनबॉक्सिंग वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। तो इन दोनों की अगर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको प्राइस बता दूँ, तो जो फिलिप्स बेस प्लस है इसका ब्लैक कलर दोस्तों 1000 रुपये के करीब में मिलता है, और व्हाइट कलर है लगभग 1300 रुपये का। और अगर मोटोरोला Pulse 3 की बात करें दोस्तों, तो वो आपको मिलता है लगभग 1500 रुपये का ब्लू कलर में जो है दोस्तों, और व्हाइट कलर में जो है वो आपको लगभग 1700 रुपये का मिलता है। तो दोस्तों लगभग दोनों ही मिड रेंज हैं और इनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसकी कोई वो नहीं है। और दोस्तों अगर हम इनकी डिटेलिंग में बात करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों वायर क्वालिटी की, क्योंकि वायर क्वालिटी बहुत ही जरूरी होती है, तो वायर क्वालिटी अगर देखा जाए तो दोस्तों दोनों की लगभग सेम मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो फिलिप्स की वायर क्वालिटी थी वो मेरे को थोड़ी सी मोटोरोला से कम लगी, क्योंकि उसकी वायर क्वालिटी थोड़ी सी नॉर्मल थी दोस्तों। और जो दोस्तों मोटोरोला की वायर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी और टेंगल फ्री वायर है दोस्तों, तो वो बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें, तो आपको फिलिप्स वाले में दोस्तों माइक नहीं मिलता है, ये विदाउट माइक आता है। अगर आपको माइक चाहिए तो आपको 3075 खरीदना होगा, जो कि इससे लगभग और महंगा है दोस्तों। वो तो उसके लगभग 1200-1300 रुपये के करीब का है वो, तो आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं, उसमें आपको माइक मिलेगा। और जो मोटोरोला Pulse 3 Max है दोस्तों, इसमें आपको माइक मिलता है इतने ही रुपए में, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही में अगर हम इसकी ड्राइवर सपोर्ट की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको 32 mm का ड्राइवर मिल जाता है दोस्तों फिलिप्स बेस प्लस में, और आपको 40 mm का ड्राइवर मिल जाता है दोस्तों मोटोरोला Pulse 3 Max में। साथ ही में दोनों ही बहुत लाइट वेट हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि साउंड किसकी कैसी है। तो अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि दोस्तों मैंने दोनों को ही ट्राई कर रखा है और दोनों को मैंने यूज़ किया है काफ़ी दिन तक, और दोनों की साउंड लगभग सिमिलर ही लगती है। पर हाँ, कहीं ना कहीं मोटोरोला Pulse 3 Max थोड़ा सा इसमें भी आगे है, क्योंकि उसकी जो बेस है साथ में वो, क्योंकि दोस्तों वो ओवर द ईयर हेडफोन है और पूरे कान को आपके ढक लेता है, तो वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा अच्छा साउंड क्रिएट करता है दोस्तों। साथ ही में उसका जो बेस म्यूजिक के साथ में बहुत ही अच्छा आता है, उसका कहीं पर भी म्यूजिक आपका जो है वो फटता नहीं है, साउंड फटती नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और बेस मैं कहूँगा दोनों का ही अच्छा है, और फिलिप्स भी जिस रेंज में दोस्तों, अगर आपका 1000 रुपये तक का बैलेंस है, तो उसमें तो दोस्तों इस फिलिप्स बेस प्लस से अच्छा कोई हेडफोन आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आप थोड़ा सा पैसा और लगा सकते हैं, तो आपको तो दोस्तों आपको लेना चाहिए Pulse 3 Max, क्योंकि उसमें आपको माइक भी मिलता है, साथ ही में इससे ज़्यादा अच्छी साउंड भी मिल जाती है थोड़ा। और अगर दोनों की कंफर्ट की बात करें, तो दोस्तों कंफर्ट आपको ज़्यादा Pulse 3 Max में ही मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी हेड के लिए लेदर की कुशनिंग दी हुई है दोस्तों। साथ ही में नीचे जो आपको एयर कप्स हैं, वो एयर कप्स भी दोस्तों आपको रोटेट होते हुए मिल जाएंगे 180 डिग्री। साथ ही में आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं स्ट्रैप्स की मदद से। और जो फिलिप्स बेस प्लस है, इसमें दोस्तों आपको स्ट्रैप्स तो मिल जाती हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, ऑल ओवर इसके जो एयर कप्स बने हुए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो वो बिल्कुल भी आपको कितनी भी देर आप सुन लीजिए, वो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
तो काफ़ी कंफर्टेबल तो है ये, पर इससे ज़्यादा अगर दोनों के कंपैरिजन की बात की जाए तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं मोटोरोला पल्स ही ज़्यादा कंफर्टेबल है दोस्तों। और दोस्तों दोनों की बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों दोनों ही प्लास्टिक से बने हुए हैं और दोनों की बॉडी एकदम प्रीमियम प्लास्टिक बॉडी है। और इसमें तो दोस्तों दोनों ही सिमिलर ही हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और एक जो प्लस पॉइंट दोस्तों मेरे को मोटोरोला पल्स 3 मैक्स में लगता है वो है कि आप इसका जो ऑक्स केबल वाला फीचर है ये सबसे बढ़िया है कि आप इसका केबल निकाल सकते हैं और इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। साथ ही में इसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन का भी अच्छा वो है, तो आपको बाहर का भी साउंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके म्यूज़िक पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है दोस्तों। तो ऑल ओवर दोस्तों यही है इनका कंपैरिजन। और इससे रिलेटेड अगर आप पे अभी भी कोई डाउट रह गया है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों दोनों के लिंक मैंने दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट बाइंग ऑप्शन है वो आपके लिए, तो आप वहां से जाके इसको डायरेक्ट खरीद सकते हैं और किसी भी नकली प्रोडक्ट से बच सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।